नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है। आज हम भारत की जैव विविधता की चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत बहुत बड़ा जैव विविधता संपन्न देश है? यहाँ पौधों की 45,000 प्रजातियाँ और जंतुओं की 91,000 प्रजातियाँ हैं। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? तो बताइए, जैव विविधता क्या है? अच्छा, तो जीवन के विभिन्न रूपों के इस समूह को देखिए। जीवन की ये असंख्य प्रजातियाँ, जैसे बैक्टीरिया, पौधे, जानवर और यहाँ तक कि हम मनुष्य भी मिलकर जैव विविधता बनाते हैं। इनमें जेनेटिक स्तर की विविधता, प्रजाति स्तर की विविधता एवं पारिस्थितिकीय तंत्र स्तर की जैव विविधता शामिल है। तो अब भारत के सभी प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र के अध्ययन से हम शुरू करते हैं। भारत की जलवायु और विभिन्न भौगोलिक रचनाओं ने भारत के उत्तर में विशाल पर्वतों का निर्माण किया है, मध्य में सघन वन, पश्चिम में शुष्क रेगिस्तान, पूर्व में भरे पूरे घास के मैदान और दक्षिण में तटवर्ती पारिस्थितिकीय तंत्र। इन विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के कारण भारत को विश्व के 34 भूमंडल हॉटस्पॉट में से 4 के लिए जाना जाता है। कितना अद्भुत है ना? इसलिए अब हम अपने देश की कुछ सामान्य और कुछ असामान्य प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लिए हम प्रत्येक श्रेणी से एक रोचक प्रजाति का चयन करेंगे। तो अब हम स्तनपाई जंतुओं से आरंभ करते हैं। अरे वाह, यहाँ कई सारे विकल्प हैं। हम हुलॉग गिबन को चुनते हैं। क्या तुम हुलॉग गिबन को पहचान सकते हो? ये सही है, हमारे देश के पूर्वी सदाबहार जंगलों में पाया जाने वाला हुलॉग गिबन वहाँ का एकमात्र वानर है। कितना अद्भुत है ना? अब समय आ गया है कि हमारे देश के पक्षियों को जानने के लिए बाहर उड़ान भरें। यहाँ दिखने वाली इतनी सारी चिड़ियों में से क्या तुम सोन चिरैया यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पहचान सकते हो? हाँ, सही पहचाना। भारत के झाड़ी वाले जंगलों और रेगिस्तान में पाई जाने वाली GIB विलुप्त प्राय पक्षी है। ये दुनिया के उड़ने वाले सबसे भारी वजनदार पक्षियों में से एक है। मुझे आश्चर्य है ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है। हॉप हॉप, चलो अब भारत के उभयचरों की ओर बढ़ते हैं। अब मैं विचित्र सी दिखने वाली परंतु बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति भारतीय पर्पल फ्रॉग को दिखाती हूँ। क्या तुम भारतीय पर्पल फ्रॉग को पहचान सकते हो? बिल्कुल सही, पश्चिमी घाटों का स्थायी निवासी भारतीय पर्पल फ्रॉग केवल मानसून के समय ही दिखाई देता है, क्योंकि बाकी समय ये जमीन के अंदर शीत निद्रा में बिताता है। इसे सुअर जैसी नाक वाला मेंढक भी कहते हैं। क्या तुम अंदाज लगा सकते हो ऐसा क्यों कहते हैं? अब समय आ गया है हम सरीसृपों की ओर रेंगे। ठीक है, इन बहुत सारे विकल्पों में से मैं छिपकली जैसे टोके गेको को चुनती हूँ। क्या तुम टोके गेको को पहचान सकते हो? हाँ, ये बिल्कुल सही है। असम के जंगलों में पाए जाने वाले इस रंगीन प्राणी का नाम वहाँ की भाषा में निकलने वाली आवाज टोके के कारण पड़ा है। क्या मेरे साथ साथ तुम भी आवाज निकाल सकते हो? चलो, अब समय आ गया है कि हम भारत में पाई जाने वाली बहुत सी अकशेरुकी प्रजातियों को जानें। और मैं पसंद करूंगी उनमें से सबसे शानदार दक्षिणी बर्ड विंग को। क्या तुम इसे पहचान सकते हो? हाँ, यही सही है, पश्चिमी घाट की स्थायी निवासी दक्षिणी बर्ड विंग हमारे भारत की सबसे बड़ी तितली है। मुझे आश्चर्य है कितनी बड़ी है। वाह, ये जैव विविधता की कितनी बढ़िया यात्रा थी। मगर हम इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 लागू है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि जंतुओं, पक्षियों और पौधों का आकार क्या है, वे सभी इस अधिनियम द्वारा संरक्षित हैं। अधिनियम इन प्रजातियों में से अनेक का शिकार करने, पकड़ने और मारने पर प्रतिबंध लगाता है। क्या आप जानते हैं कि विश्व में कौन से स्तनपाई की सबसे अधिक अवैध रूप से तस्करी होती है?
पेंगोलिन। तो हमारे आसपास पाई जाने वाली इन शानदार प्रजातियों की सुरक्षा अधिनियम किस प्रकार करता है? इसे एक समर्पित स्थान जिसे संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है के द्वारा किया जाता है। ये संरक्षित क्षेत्र अनेक प्रजातियों को रहवास एवं सुरक्षा प्रदान कर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। भारत में कई प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं जो नियमों के अधीन काम करते हैं, जैसे वहाँ मानव की उपस्थिति कितनी रहेगी अथवा संसाधनों का कितना उपयोग किया जाए। भारत में 101 राष्ट्रीय उद्यान, 553 वन्य प्राणी अभयारण्य, 86 कंजर्वेशन रिजर्व, 163 सामुदायिक रिजर्व और 25 प्रमुख समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं। तो आप विद्यार्थी की हैसियत से आपके आसपास पाई जाने वाली जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या करेंगे? ऐसी वस्तुएं ना खरीदें जो प्राणियों के अंगों से निर्मित हो। आप स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण करके और सफाई अभियान में भाग लेकर छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। आप इस वीडियो से पौधों और प्राणियों के बारे में सीखे गए ज्ञान का प्रसार प्रचार अपने मित्रों और परिवार में कर सकते हैं। और अंत में एक पृथ्वी एक घर कार्यक्रम के तहत बताए गए विचारों के अनुसार हरित जीवन शैली अपना सकते हैं। तो अब आप इधर उधर सोचना बंद कर प्रकृति संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व निभाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।